अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं सैयद हुसैन असनी, मक्का के होटल से हमारी रवानगी है माशाल्लाह आज अपने घर कराची पाकिस्तान में। और आज हमने अलविदाई तवाफ कर दिया है अल्लाह का घर का, और माशाल्लाह अभी जैसे ही हमारे दोस्त घर आ जाते हैं तो फिर हम अपना सामान उठाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो में आप जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह ताला। बहरीन में हमारा 2 से 2.5 घंटे का स्टे, हम बहरीन एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस आ चुकी है और हम लोग अब निकलने के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी हम जद्दा एयरपोर्ट के लिए बस हमारी आ गई है, हम लोग बस अपने होटल से निकल रहे हैं। और हाँ भाई जी बस अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वक्त गुजार दिया, बस अब जाने का बड़ा जाने का दिल ने बुलाया हमें अपने दर पे, उसका लाख लाख शुक्र है बस। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र अब स्टार्ट होने वाला है और हम लोग जद्दा की तरफ जा रहे हैं। और ये देखेंगे हमारी बस का दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी ये पेरे पीछे जो नज़र आ रही है जमजम वाटर शॉप है, तो यहाँ से हम जमजम लेंगे फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे। ये देखिए जमजम दोस्तों, ये है जमजम की बोतल, ये 6 महीने पहले 8 रियाल की थी, अब ये 12.5 रियाल की कर दी उन्होंने। अब दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो रहे हैं हम। जी दोस्तों शाह साहब ने भी 2 बोतलें ले ली। जी शाह साहब कितनी ली आपने? दो लिए भाई, सही है, और हमने 1 ले लिए भाई। शाह साहब माशाल्लाह फिट हो गए घर की, फौरन जो है ना इनको पता चला घर जा रहे हैं तो फिट हो गए है शाह साहब फिट हो गए, घर की याद आ रही थी माशाल्लाह जिद्दा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नया बना है, वो बहुत अच्छा बनाया है। पहले तो हाजी कैंप से आते थे हम लोग, जो हाजी टर्मिनल होता था हज टर्मिनल कहलाता था वो, अभी देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट। जी शाह एयरपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 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 है देखिए, अरे हमारी टाइमिंग गोल्फ एयर की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई हुई है इन्होंने तो अंदर बस के नाम पे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है सर्विस रखी है, जो बस की होती है इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई हुई है इधर, फास्ट ट्रेन जबरदस्त लाइफ का ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा। जद्दा एयरपोर्ट है ये, ट्रेन की स्पीड देखें 100 से अबव जा रही है इसमें। दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, आगे शेयर भी कीजिए। अभी हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, जहाँ बोलने में जा रहे हैं फुरूज बोल दिया उसने, जद्दा से फुरूज करने का कह रहे हैं रास्ता यही है, कह रहा है अल मिल मुताबिक फुरूज अल जद्दा, मतलब यहाँ के मुताबिक यहाँ से आप जद्दा से फुरूज हो गए डिपार्चर डिपार्टमेंट। वो देखें दोस्तों ये है ट्रेन, देखें ये पूरी ट्रेन है दोस्तों, पैसे वसूल हो गए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सर्विस देख के। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, इसको कहते हैं फोर सीलिंग, हाँ फोर सीलिंग देखें दोस्तों,
ये पूरी फोर सीलिंग ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा फानूस आपके सर पे आया हुआ है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हमारा गेट नंबर A44 है। दोस्तों यहाँ तो हर मोड़ पे एक नई सरप्राइज मिल रहा है। दोस्तों इस वक्त मैं आपको जो दिखा रहा हूँ जद्दा इंटरनेशनल टर्मिनल 1, ये एयरपोर्ट है और इसका ये बोर्डिंग लॉन्च है। इमिग्रेशन वगैरह करने के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं तो आपको फिर वायर ट्रेन आपको यहाँ छोड़ जाते हैं। मतलब जितनी सोच है ना उससे ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है ये। साथ चले आप हैं जी ये 44 ईयर आ गया ना यहाँ बैठे हैं। टोटल 50 गेट हैं इधर। ये दोस्तों आ गया हमारा गेट नंबर 44। देख सकते हैं आप ये एयरपोर्ट की लुक माशाल्लाह। अगर जो मेरा आपको ये कैमरा दिखा रहा हो तो रियल में तो बहुत खूबसूरत है। बाकी ज़बरदस्त। चलिए दोस्तों फ्लाइट टाइमिंग चेक करते हैं। दोस्तों ये है हमारी 6 बजे की फ्लाइट गल्फ एयर की बहरीन के लिए। दोस्तों मैंने कहा जब तक फ्लाइट में टाइम है तो मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा आपको जद्दा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करूं। अभी ये चलती हुई ट्रैक पे मैं चला, मैंने कहा आपसे आपको हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ जहाज खड़े हुए हैं। मतलब ये देखें बोर्डिंग लॉन्च इस तरह बनाया है जैसे ये ट्यूब नहीं होती जिस तरह हम जहाज में अपना जिन्हें टर्मिनल पे जा रहे होते हैं तो वो छोटी सी ट्यूब है वो जहाज में लेके जा रही होती है। ये पूरा बोर्डिंग लॉन्च ही ट्यूब है। आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जहाज लगते हैं और ये बहुत अंदर तक जा रहा है। और ये देखें वो कहाँ से आ रहा है, हम लोग वहाँ से आए हैं और अब हम जा रहे हैं इधर। खैर हम तो उधर ही हैं मगर ये है कि मैं आया हूँ इधर जस्ट एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने। मैंने कहा जब मैं भी देखूँ तो आपसे भी शेयर करूँ। शायद आपको शीशे में से नज़र आए जहाज खड़े हुए इधर भी और उधर भी। अभी आएंगे जहाज ये देखिए। यहाँ आपका ये प्रे एरिया आ जाता है, वॉशरूम वगैरह का एरिया है। आगे कोई आप कुछ चीज़ कोई ख़रीदारी वगैरह करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं इधर। चले एयरपोर्ट का ये मुझे बोर्डिंग का एंड नज़र आया है वहाँ तक चलते हैं। और ये बंद किया हुआ है इन्होंने, ग्लासेस ला दिए हैं इसलिए कि ये किसी कोई ना कोई गेट नंबर है ना, गेट नंबर 50 है। तो यहाँ से जो है हम एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये शीशा है और इसमें से देखें और आपको दूर से यहाँ से नजर आ जाएगा।
और अब मैं आपको राइट साइड वाला अब दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह दोनों तरफ माशाल्लाह एयरपोर्ट है और ग्लासेस से इन्होंने कवर्ड किया हुआ है इस ट्यूब को। और ये पूरी जो बोर्डिंग लॉन्च है ये ट्यूब है इस तरह का। काम जो हुआ ना टोटल कंस्ट्रक्शन वर्क पाइपों का हुआ है। पाइप पे इन्होंने फोर सीलिंग का काम किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह की हुई है। देखें ये भी एक काम है, ये सब वेल्डर वगैरह ने बनाया हुआ। ये देखें माशाल्लाह पाइप के पिलर हैं, पाइप की फाउंडेशन है, पूरा पाइप वर्क है। हम पैदल चलते हैं। तो दोस्तों ये है जद्दा का बोर्डिंग लॉन्च, क्योंकि मैंने आपको तकरीबन कोशिश की है कि दिखा सकूं आपको जहां तक दिखा सकता था। ये गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 50 तक है। 50 वाला जो गेट है बिल्कुल फ्रंट पे एंड में आता है, उसके बाद वो ट्यूब ख़त्म हो जाती है। ये तो ये पूरा माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छा बना हुआ है, बाकी लग रहा है कि पैसा लगा है इधर। और दोस्तों फाइनली माशाल्लाह हम जा रहे हैं जहाज में। और दोस्तों फाइनली मेरे नसीब में जहाज में भी ये दोनों भाई मिल गए साथ। जी दोस्तों इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहरीन के लिए सफ़र के लिए हम जा रहे हैं और मुझे इजाज़त दीजिए अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब बहरीन एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।